अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। आज मैं ईद के मौके पर आपके लिए लेके आई हूँ शीर खुरमा। और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और ये किस तरह से बनती है। जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो दो लीटर की दो दूध की थैलियाँ ली हैं, ये देखिए पैकिंग की है ये। और अब मैं इनको यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा गैस पर भगोना रख दिया है। अब मैं इसमें इसको डालूंगी। मैंने यहाँ पर 4 लीटर दूध ले लिया है और हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और मैं इसको अब हाई फ्लेम पर थोड़ी देर गर्म होने दूंगी, जब तक कि ये रिड्यूस ना हो जाए, पककर कम ना हो जाए, ठीक है। यहाँ मैंने मखाने लिए हैं और यहाँ मैंने ये पिस्ते लिए हैं, ये मैंने भिगो कर रखे हैं 8 से 10 घंटे। और ये मैंने यहाँ पे छुआरे लिए हैं और ये इनको भी मैंने भिगो कर रखा है। और ये काजू, ये भी मैंने भिगो दी थी। सब चीज़ें मैंने 8 से 10 घंटे तक भिगो कर रख दी थी पानी में। और ये बादाम, चिरौंजी मैंने ली है। और यहाँ मैंने इलायची लिए हैं 15 से 20, जो कि मैं इनको पीस कर या फिर कूट कर इसमें डालूंगी। और ये मैंने सेवैयाँ ली हैं, ये मैंने 250 ग्राम का एक पैकेट लिया है। आप जितनी मैंने दूध की क्वांटिटी बताई है उसी हिसाब से मैंने आपको ये सामान बताया है। और ये मैंने एक कटोरी अपने हिसाब से भर कर लिया है, आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से डालें। और अगर आपने दूध ज़्यादा लिया है तो सेवैयाँ का पैकेट भी बढ़ा दें और बाकी सारे ड्राई फ्रूट भी। और यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर दूध मैंने गर्म होने रख दिया है। और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा मैं इसको लगातार चलाऊँगी। देखिए ये गर्म हो रहा है, मैं दूध को लगातार गर्म कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, या मैंने 400 ग्राम का डब्बा लिया है और मैं इसमें ऐड कर दूँगी गर्म दूध में। आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर पाउडर। अगर आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो आप चीनी को ना डालें, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है। और मीठा अपने हिसाब से चेक कर लें कि आपको कितना मीठा रखना है। ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और हाई फ्लेम पर मैंने इसको रखा है। यहाँ पे देसी घी ऐड करूँगी, इसको अपने ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको सौते करने के लिए। थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने घी की क्वांटिटी अच्छी खासी ली है, शीर खुरमा में जितना देसी घी होता है तो ज़्यादा खुशबू और स्वाद आता है। मैं नहीं थी, मैंने उनको हाथ से मसल लिया है, आप भी ध्यान रखें उसे मसल लें। और इसको भी मैं देसी घी में हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई करूँगी। और ये देखिए इस साथ ही हो जाएगा सर, मिक्स हो गई है इसमें ये। अब मैं इसमें मखाने भी डाल दूँगी। मखाने ये मैं हमेशा शीर कुरमा या फिरनी जो भी बनाती हूँ शीर मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे खाने पसंद है। आप इसको ना डालें या डालें आपकी अपनी चॉइस है, ऐड कर देंगे तो अच्छे लगेंगे। ये भी ये इसी बचे हुए देसी घी में अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। सब चीज़ें एक साथ मिक्स करके मुझे फ्राई करनी थी 5 से 7 मिनट, और लगातार चलाना है बहुत ही आराम आराम से, ताकि ये लगे ना। वो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी, आधा चम्मच, बाकी दूध में भी डलेगी। ये मैंने वाइट इलायची पीस पर इसमें ऐड करी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है एकदम, इसकी फ्राई होने की वो बहुत ही प्यारी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब ये मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इनको सौते कर लिया है सेवई को और ड्राई फ्रूट को। अब देखते हैं हमारे ये जो शीर खुरमे का ये हमने दूध रखा था पकने के लिए, इसको पकते पकते मीडियम हाई फ्लेम पर, आधा घंटा हो गया है या आधा घंटे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें इसको कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना था। देखिए पक गया है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब इस दूध में मैं ये ज़ाफ़रान केसर ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा लगता है एकदम।
शीर खुरमा देसी घी और केसर से और जान आ जाती है उसमें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच वाइट इलायची पाउडर। मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं किया है, वाइट इलायची पाउडर भी इसमें ऐड हो गया है, उसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैं हाई फ्लेम पे इसको लगातार पका रही हूँ। अब मैं इसे उबलते दूध में ये जितने भी सारे ड्राई फ्रूट और हमने हल्का सा ब्राउन सवई की थी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब इसमें जाएंगे इस तरह, इसे अच्छी तरह मैं साफ कर देती हूँ। देसी घी के साथ जो मैं फ्राई किए थे, अब मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं और सब चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट लगातार पकाऊंगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। आप ध्यान रहे कि ये जब गर्म होती है, शीर खुरमा की एक खूबी है जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर जब ये गर्म होती है तो ये आपको जिस तरह आपने बनाई है ऐसी रहेगी, लेकिन आप अगर इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ी देर बाद गाढ़ी हो जाती है। तो आप उसी हिसाब से दूध और सेवई डालें। पकने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है, ठीक हो जाती है। आप देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और ये बन के रेडी हो लगातार 10 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पे पकाया था सब कुछ डालने के बाद। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। मैं इसको इसमें उतार लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि मैं ये किस तरह बनी है। अब ये हमारी शीर खुरमा बन के रेडी हो गई है। मैं फाइनल टच कर देती हूँ, ये मैंने ऊपर से और ड्राई फ्रूट डाल दिए। ये बन के रेडी हो गई है और इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट और सेवइयाँ, बहुत ही अच्छी सोनी खुशबू आ रही है। आप इसको बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको मेरी तरफ से फिर से दिल से ईद मुबारक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।